अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेक स्टेट्यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद निसार काजी साहब, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये जम्मू कश्मीर विजिटर हैं। आइए इनसे जानेंगे क्या कहने चाहते हैं सर। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं ये सारी दुनिया मांगेगी। आज का दिन मजदूरों के लिए अहम दिन है, यूम मई। आज के ही दिन अमरीका के शहर शिकागो में एक जोरदार लड़ाई मजदूरों ने लड़ी, जिसमें हजारों मजदूर शहीद हुए और मजदूरों के लिए एक कानून बनवाया। वो कानून आज भी, अगर आज मजदूर सर उठा के जीता है तो उन्हीं मजदूरों की कुर्बानियों की वजह से जीता है। और उन्होंने मजदूरों के लिए वक्त मुकर्रर कराया। उससे पहले सरमायादार लोग मजदूरों को 24-24 घंटे काम कराते थे, 12 घंटे 18 घंटे और 24 घंटे काम कराया जाता था। लेकिन शिकागो के मजदूरों ने ये दिशा दिखाई जब उन्होंने लड़ाई लड़ी और पूरे दुनिया के मजदूरों के लिए वक्त मुकर्रर किया। 8 घंटा मजदूर काम करेगा, 8 घंटा रेस्ट करेगा और 8 घंटे घूमेगा फिरेगा। और वही कानून, उसी कानून के लिए आज पूरी दुनिया में अगर मजदूर सर उठा के जीता है तो उन्हीं शिकागो की मजदूरों की कुर्बानी की वजह से ही जी रहा है। और आज हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क की सरकार जो मजदूरों के लिए जो कानून हमने आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़के लिए थे, उन कानूनों को आज मसला जा रहा है। पिछले लॉकडाउन के दौरान पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया गया कि जहां मजदूरों के लिए 44 लेबर कवानीन थे, उन कवानीन को खत्म करके 4 लेबर कोर्ट में बदला गया है। और वो कानून पास करने की भरपूर कोशिश की और पास भी किए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उनको जमीनी सतह पर लागू न होने की वजह से सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने पूरे मुल्क के अंदर लड़ाई लड़ी। और उन्होंने जो मोदी सरकार ने जो कानून पास किए थे उनको जमीनी सतह पर लागू नहीं होने दिया। और आज हम यौम मई के मौके पर पूरे दुनिया के मजदूरों के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर के मजदूरों को भी कहना चाहते हैं कि मजदूरों की जो लड़ाई है, जो हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, जो वर्किंग क्लास के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। और आज अगर मजदूर मुत्तहिद होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेगा, अगर अमेरिका के शहर शिकागो में जो मजदूरों ने लड़ाई लड़ी थी उनके लिए अगर कोई खराज अकीदत पेश कर सकता है तो वो उन्हीं कानूनों को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़नी है, ताकि आने वाले वक्त में मजदूर को वो हाल नहीं देखना पड़े जो 1886 से पहले मजदूरों के साथ किया जाता था। सरमायादार लोग अपनी मर्जी से मजदूर को काम कराते थे और अपनी मर्जी से काम से छोड़ते थे, चाहे मजदूर काम करते करते उसकी मौत भी हो जाती थी, लेकिन एक सरमायादार बदल कर दूसरे ठेकेदार को खड़ा करके मजदूर को कंटिन्यू काम पर लगाया जाता था। लेकिन आज ही का जो दिन है ये एक त्यौहार से कम नहीं है, ईद और दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन मजदूरों को इंसाफ मिला है पूरी दुनिया के अंदर, खासकर हमारी जो रियासत या जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो मजदूर के कवानीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन कवानीन को बचाने के लिए तमाम मुल्क के मजदूर किसान लोगों को इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी है, ताकि जो कानून पार्लियामेंट में पास हुए हैं उनको जमीनी सतह पर लागू न किया जाए।